नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सुबह सुबह ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह काफी ज्यादा बमक गए हैं जदयू पर। और क्यों बमक गए हैं वो आपको इस तस्वीर को देखने के बाद पता चल जाएगा। ये तस्वीर है गिरिराज सिंह के पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए जदयू को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि ये तक कह डाला है कि कहीं हिंदुओं पर हमले करने करने कराने वाले आप ही तो नहीं हैं। अब अगर हम आपको पूरा मामला समझाएं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर नीतीश कुमार की छवि खराब करने और बेगूसराय के सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए जदयू के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के शरीफ बेगूसराय में इनका पुतला दहन किया। और इन पर आरोप ये लगाया गया कि पिछले दिनों बेगूसराय के रजौरा में बच्चों के विवाद की लड़ाई के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिस पर जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, आरोपितों को गिरफ्तार किया, गांव का माहौल शांत कराया। जिस सांसद पर जिले के सौहार्द की जिम्मेदारी है, वो वहां जाकर न सिर्फ आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दे रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि भी खराब कर देते हैं और वहां पर सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयान भी देते हैं, जिसे कि जदयू बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही सारी बातें कहते हुए जदयू के पूर्व एमएलसी रामबदन राय भी वहां पर मौजूद थे, और उनके नेतृत्व में ही पुतला दहन किया गया, कैंटीन चौक पर पुतला जलाया गया। और इसी पुतला दहन के विरोध में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट को हम बार बार आपके स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि कट्टरपंथियों के खिलाफ और धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो गया। जदयू मित्रों से निवेदन है कि जितना चाहे मेरा पुतला जलाएं, लेकिन हिंदुओं को कट्टरपंथियों के हमलों से बचाएं। आपके आचरण से ये संदेह नहीं होना चाहिए कि आप ही कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कटाक्ष किया है गिरिराज सिंह ने, काफी सटायर वाले अंदाज में उन्होंने लिखा है। ना कोई हमलावर नजर आए हैं इन लाइनों में, और ना ही कुछ इस तरह की बात कही है जिससे कि आक्रोश नजर आए, लेकिन चंद शब्दों में ही, चंद लफ्जों में ही बहुत सारी बातें कह डाली हैं। और ये बड़ा आरोप लगा दिया है जदयू पर और कहा है कि कहीं आप ही तो नहीं है जो कि हिंदुओं पर हमले करवाते हैं, कट्टरपंथियों द्वारा हमले करवाते हैं। देखिए, बिहार में वैसे भी जदयू और बीजेपी के बीच का विवाद सबको पता है, भले ही अभी शांत हो, लेकिन भीतर खाने कई ऐसे मसले हैं जिस पर लगातार विवाद चल रहा है, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मुद्दा बार बार जो कि उठाया जाता रहा वो हो। अब ऐसे में बेगूसराय में गिरिराज सिंह का पुतला दहन किया गया है जदयू के नेताओं के द्वारा, जिसमें पूर्व एमएलसी रामबदन राय भी होते हैं, कई नेता होते हैं, कई कार्यकर्ता होते हैं। और जदयू के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला दहन इस बात पर किया गया कि वो बेगूसराय का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो रजौरी की घटना हुई, इस रजौरी की घटना को शांत कराने के बजाय उसे तूल देने का काम कर रहे हैं अपने बयानों से। और इन्हीं सब बातों को लेकर जदयू और बीजेपी आमने सामने है। यूं कह सकते हैं कि रजौरी की जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर बीजेपी और जदयू फिलहाल आमने सामने हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जब पुतला दहन किया गया, उस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है और बड़ी बात कह डाली है। यूं कह सकते हैं कि काफी नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। हालांकि उस गुस्से का इजहार उन्होंने इस पोस्ट में जरूर किया है। अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे, तो इस पोस्ट में गिरिराज सिंह ने वो सारी बातें कह दी हैं जो जदयू को नागवार गुजर सकती हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।